करंट अफेयर्स कितनी पुरानी पूछी जा रही है? करंट अफेयर्स में 2014-15 की क्वेश्चन पूछे हैं, 2014-15 तक दो तीन क्वेश्चन 14-15 के भी आ गए, वो आ गए ना। नमस्कार दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं एसएससी बैंक एंड रेलवे की तैयारी तो डाउनलोड कीजिए नॉलेज बॉक्स के एप्लीकेशंस को और करिए अपनी तैयारी को और भी मजबूत नॉलेज बॉक्स के क्विज टेस्ट सीरीज एंड अमेजिंग वीडियो के साथ में। सलोशन वेलकम टू नॉलेज बॉक्स। आज है 30 दिसंबर, तो हम लेने आए हैं सेकेंड शिफ्ट का रिव्यू कि भाई कैसा एग्ज़ाम्स का लेवल है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट आना स्टार्ट हो गए हैं, तो हम एक एक से पूछेंगे कि भाई किस तरीके से लेवल आ रहा है, साइंस करंट अफेयर्स ज्योग्राफी हिस्ट्री से किस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, रीजनिंग का सेक्शन ईजी है या टफ है। तो आइए देखते हैं, आप बने रहना चैनल के साथ में, सभी लोगों से एक एक करके हम यहाँ पर रिव्यू करने वाले हैं। हाँ सर, क्या नाम आपका? योगेश पथरिया। योगेश जी कहाँ से हैं? जयपुर से। जयपुर से हैं, तो कैसा रहा पेपर आपका? पेपर अच्छा था, लेवल भी बहुत अच्छा था। ओके, जिन्होंने तैयारी कर रखी है समथिंग कर जाएंगे वो पास कर जाएंगे। ओके, तो मैथ की बात करें तो मैथ कैसे लेवल की आ रही है? मैथ ज़्यादा हार्ड नहीं थी, जिन्होंने जिनकी प्रिपरेशन अच्छी थी मेरे ख्याल से वो कर जाएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं थी। ओके, और अगर रीजनिंग के सेक्शन पे चले तो रीजनिंग कैसी आ रही है? रीजनिंग भी ज़्यादा वैसे नहीं थी, अच्छे लेवल की थी और बहुत अच्छे लेवल के सवाल थे। ओके, तो जैसे कि अपन जीके की तरफ आते हैं तो जीके में जैसे कि करंट अफेयर जनरल साइंस ये बहुत लिमिट था, लिमिटेड था। कितने क्वेश्चन आए जनरल साइंस में? समथिंग मेरे ख्याल से 10 या 15 क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन आए। ओके, कोई क्वेश्चन याद होगा आपको जीके में कोई भी? अभी रिसेंटली अटल बिहारी वाजपेयी के उस पे था तो पता नहीं था, पर हाँ रिसेंटली अभी के क्वेश्चन आए ज्यादा। अटल बिहारी वाजपेयी की भी जयंती मनाई गई थी कुछ दिन पहले, उससे समथिंग नहीं था उससे। टोटल सर कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 85 तो 85 में क्या एक्यूरेसी बोलेंगे, कितने राइट है कितने रॉन्ग है? 65। चलिए सर, ऑल द बेस्ट। क्या नाम आपका? फुलचंद मीणा। फुलचंद जी कैसा लेवल आ रहा है? लेवल मीडियम आ रहा है। मीडियम लेवल आ रहा है। ओके, जीके ने परेशान तो नहीं किया आपको? नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं। कितने क्वेश्चन किए जीके आपने? मैंने जीके में क्या, मैंने टोटल तो 76 क्वेश्चन किए। टोटल 76 क्वेश्चन किए। ओके, तो जीके में जैसे कि हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस और अगर करंट अफेयर्स को छोड़ दें तो बाकी जीके से कितने क्वेश्चन आए? लगभग जीके से लगभग 20 क्वेश्चन है, बाकी करंट अफेयर्स और साइंस से ही। करंट अफेयर मैथमेटिक्स और साइंस होगा। ओके, करंट अफेयर्स कितनी पुरानी पूछी जा रही है? करंट अफेयर्स में 2014-15 की क्वेश्चन पूछे हैं, 2014-15 तक दो तीन क्वेश्चन पूछे 14-15 के भी आ गए, वो आ गए ना। कौन से रे? थोड़ा सा डाउट मेरे को, मतलब 14-15 का क्वेश्चन आया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ओके, और 18-19 में? 18-19 के भी पूछे। 18-19 के भी पूछे गए। ओके ओके, सर टोटल कितना अटैम्प्ट किया आपने? मैंने 76 अटैम्प्ट किया सर ने। सर ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू। हाँ सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अवनीश कुमार पाराचार्य सर। कैसा गया लेवल आपका? सर पेपर बहुत अच्छा था। ओके, तैयारी भी बहुत अच्छी थी। ओके, मैंने 76 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। 76 अटेम्प्ट किया, अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू सर। 76 में क्या एक्यूरेसी बोलेंगे, कितने राइट आपके? सर 76 में से जीके में थोड़े बहुत डाउट है। ओके, मैथ पूरी सही है। ओके, रीजनिंग पूरी सही है। ओके, रीजनिंग मैथ रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं है सर। रीजनिंग में लॉजिकल क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं या फिर स्टेटमेंट के ज़्यादा आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं? सर रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग के अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं सर। कोडिंग डिकोडिंग आ रही है सर उसमें। ओके ओके, और मैथ में लाभवानी परसेंटेज के अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। ओके सर, चलिए सर ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू सर। क्या नाम है सर आपका? प्रीतम नाम है। प्रीतम जी कैसा लेवल है? सर देखो जीके एकदम इजी है इसमें। ओके, रीजनिंग एकदम इजी है। ओके, बस जीके में ऐसा सर स्टैटिक जीके आ रही, करंट जीके बिल्कुल नहीं आ रही। स्टैटिक जीके आ रही, तो स्टैटिक जीके में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं? स्टैटिक जीके में सर ज़्यादा ओल्ड भी नहीं पूछ रहे सर। ओके, कोई क्वेश्चन याद होगा सर आपको? कोई क्वेश्चन सर अभी नहीं याद, अभी याद नहीं आ रहा है। ओके, और 19 से रिलेटेड है सर। ओके, जैसे कि 2014-15 की भी करंट अफेयर्स आ रही है इसमें? हाँ सर आ रही, आ रही है। दो तीन क्वेश्चन पूछे के लिए। ओके ओके, टोटल कितना अटेम्प्ट किया सर आपने? मैंने 77 करे। 77, तो 77 में क्या एक्यूरेसी बोलेंगे, कितने राइट आपके? अप्रोक्स 65 प्लस राइट है सर। ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू सर। हाँ सर, क्या नाम आपका? सर मनोज नेहरा। ओके सर, कैसा लेवल रहा? लेवल इजी टू मॉडरेट है, बहुत अच्छा पेपर हो रहा है। okay. और धैर्य का काम, धैर्य से काम ले, मतलब नेगेटिव मार्किंग रोक ली तो सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे जीके की बात करें तो जीके में ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो नहीं आ रहा है? ज़्यादा टफ क्वेश्चन कुछ नहीं आ रहा, जो पहले वो पेपर हुआ था 2018 में उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आ रहे हैं सभी के। ओवरऑल सर कितना अटेम्प्ट किया आपने?
मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे 75। ओके चलो सर मैथ की तरफ आते हैं, तो मैथ में अर्थमेटिक्स में इजी क्वेश्चन है या फिर मॉडरेट लेवल आ रहा है? नहीं, इजी टू मॉडरेट आ रहा है, इजी भी है और हार्ड भी है क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन हार्ड है। ओके ओके, मैथ में सर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए लगभग आपने? मैथ में मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे 25। और सर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में मैंने क्वेश्चन 25 ही किए थे, 25 के आसपास। जीके अच्छे से किया था, जीके अच्छे से किया है। ओके ओके, चलिए सर ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू सर। चलिए सभी स्टूडेंट्स अपना बैग्स लेने में लगे हुए हैं। मैं पूछता हूँ सभी से भाई कितने कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं। तो सर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए आपने? ऑल सभी किए हैं, टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। तो 100 में क्या एक्यूरेसी बोलेंगे सर आप? 100 के हैं। चलिए सर ऑल द बेस्ट आपको। सर कितने अटेम्प्ट किए आपने? 82। ओके सर आपने? 70 की। 70 सर आपने? 74। चलिए सभी से पूछते हैं सर आपने कितने अटेम्प्ट किए? 70। सर आपने? 65। 93। 92। सर कितने क्वेश्चन किए आपने? 72। 80। 97। 75। 75। 76। 76। 83। 83। 88। 65। 65। 88। ओके सर आपने? 75। 75। 78। 75। 75। 62। 62। 92। 92। माय गॉड सर ऑल द बेस्ट। 77। 77। 60। 60। 90। 90। 78। 79। 89। 67। 68। 81। 89। 67। 68। 81। 81। 81। 81। 81। 81। 81। सर आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 60। 60। सर आपने 60। 60। ओके तो काफी लोगों से पूछा कि भाई किसी ने 65 किसी ने 75, तो एक एवरेज लगाएं तो 70 से 75 एवरेज आ रहा है सभी का, है ना? 70 से 75 एवरेज आ रहा है सभी का। तो बाकी और लोगों से हम पूछते हैं सर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? 74। 74। सर आपने कितने क्वेश्चन किए? 74। 82 सर। 82। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए सर आपने? 75। ओके तो सर जैसे कि आपने देखा कि सेकंड शिफ्ट का पेपर इजी आया है, काफ़ी लोगों ने अच्छे अटैम्प्ट किए हैं, किसी ने 75, किसी ने 80, किसी ने तो 91 तक अटैम्प्ट किया है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, हम लोग इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम्स का रिव्यू देते रहेंगे। अब हम मिलेंगे कल के फर्स्ट शिफ्ट में, तब तक के अलविदा। जय हिंद।